तो गाइस आज हम जा रहे थे मनाली से सिसु बर्फ देखने के लिए, और ये देखो यार मनाली का ट्रैफिक जैम भाई। पिछले 10-15 मिनट से हम यहीं खड़े हैं और भाई हमने ट्रैवलर से उतर गए हैं और अब चल रहे हैं सिसु की ओर। लेकिन अब देखते हैं टनल तक ट्रैफिक कितना मिलेगा हमें। और सामने व्यू देखो। सो गाइस यहाँ पे अब परमिट चेक होगा अटल टनल के लिए, और अगर रोहतांग पास खुला होता है तो फिर यहीं पे परमिट चेक होता है रोहतांग पास का भी। सो गाइस यहाँ से हम जा रहे थे अटल टनल की ओर, और वो सामने देखो वो रोहतांग पास वगैरह के पहाड़ भी दिख रहे हैं हमें। और भाई यहाँ पे स्नो क्लोथ्स वाले सारे काउंटर आ गए हैं, और भाई हम रुक के अब क्लोथ्स भी लेंगे क्योंकि हम आज बर्फ में खेलने जा रहे हैं फाइनली। ये देखो यार कितना सुंदर व्यू लग रहा है। यहाँ से देखो रोहतांग आ गया 46 किलोमीटर दूर, और सोलांग वैली है 7 किलोमीटर, अटल टनल है 19 किलोमीटर। फाइनली पहाड़ वाली चढ़ाई हो गई है स्टार्ट। अब हम चढ़ेंगे 19 किलोमीटर पहाड़ पे, फिर आएगा अटल टनल। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं सोलांग वैली। ये देखो भाई यहाँ पे काफी क्राउड है, हम यहाँ पे वापसी आते हुए रुकेंगे। अरे अमित भाई सोलांग वैली एवरीवन, सो फाइनली वी आर इन सोलांग वैली, बट कोई भी बेनिफिट नहीं है सी, जैसे यहाँ बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं है, देख सकते हो आप, देखो कोई स्नोफॉल नहीं है सोलांग वैली में। गाइस फाइनली हमें दिख गई है बर्फ, और भाई देखो कितनी फ्रेश स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे। अभी तो अटल टनल भी नहीं आया, अटल टनल पार करके क्या हालत होगी देखते हैं। साइड का व्यू देखो यार सुंदर है भाई साहब, देखो स्नो पीक, हम एकदम टॉप पे जा रहे हैं उसकी। गाइस हम जा रहे हैं उस टाइम तक अटल टनल, एंड वहाँ पे हम देखेंगे पता फिलहाल के लिए आप भी देखो संजय भाई अपनी बिजली है तो लोग नहीं आ पाएंगे, 10 मिनट तक आपकी सेवा में हाजिर। और अभी अभी हमने एक छोटा सा प्लान किया था, यहाँ पे आप वीडियो बनाएंगे सारे के सारे, और मैंने किसी भी चीज़ का चीता है सबने वीडियो में कितना चीता देखा अच्छी बात है। गाइस अब आ गए हैं अटल टनल, आप देख सकते हैं लोग यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, पुलिस वाले बंदूक लगे खड़े हैं। सलाम साहब, ये अमित भाई की टोपी हमारी वीडियो को थोड़ा परेशान कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं हम एडजस्ट कर सकेंगे। अमित भाई को झगड़ा हो रहा है, अमित भाई आगे तो फोन रखता है क्या, और ये मेरे हाथ चल रहे हैं लेकिन आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। ये हमने एंट्री ले ली है टनल के अंदर, काफी खूबसूरत है दीवारें। सो गाइस अब हमने एंट्री कर लिया अटल टनल में, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाइट का और सबसे बड़ा टनल है, जो कि है 9 किलोमीटर्स लंबा, जिसने मनाली सिटी से रोहतांग पास का डिस्टेंस कम कर दिया 24 किलोमीटर से। और भाई जैसे ही हम अटल टनल पार करते हैं लेफ्ट की तरफ रास्ता जाता है सिसु को, और अगर वहाँ से हम राइट ले लेंगे वो जाता है सीधा रोहतांग पास। लेकिन इस टाइम रोहतांग पास कुछ ज़्यादा ही स्नोफॉल की वजह से बंद था, इसलिए हम गए सिसु की तरफ। ये देखो भाई सामने अटल टनल, और अटल टनल पार करते क्या स्नो मिल गया,
ये देखो वाइड एंगल भी है। सो गाइज अब हम फाइनली स्नो में आ गए हैं, जिसके लिए हम फर्स्ट डे ऑफ ट्रिप का वेट कर रहे थे। भाई लास्ट डे में हम सिसु आ गए हैं। कैसा लग रहा है शिवानी? सो हेलो एवरीवन, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बर्फ। तो देख सकते हो आप सिसु में कितनी बर्फ है। सो मैं यही कहूँगा कि आपको कभी भी आना, क्रिसमस पे आओ और देख दाख के आओ, बहुत ज्यादा मिलेगा। और सोलांग वैली में कोई स्नो नहीं है अभी, अभी जो भी स्नो है रोहतांग और सिसु में है, पर बहुत स्नो है। और फ्रोजन लेक पे जाओ और धनंजय भाई के साथ लाइक और सब्सक्राइब करो। ये चलो भाई अब आगे चलते हैं मेन लेक पे और भाई फिर रील्स बनवाएंगे। खेलो 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 सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं फ्रोजन लेक पे। ये देखो भाई पापा, देखो ये कैप्चर भाई, यहाँ पे बहुत तगड़ी आइस स्केटिंग करेंगे हम बूट्स में ही। चलो भाई वो देखो भाई, उससे चला ही नहीं डरा बिल्कुल। मुंह के बल की हो गई भाई तू। पीछे पीछे ऐसे बॉडी रखनी है, पीछे पीछे। अरे मेरे तो शिवानी मेरे ना तुम्हारे मेरे मुझे नहीं लगी, मेरे पर लात लगी यार। इसका फ्रंट ऐसे कैसे होगा? भाई हर किसी का रूल है, आराम से करना, आराम से प्लीज। बस आगे रोक रोक करो, रोक रोक के आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड, आओ वेरी गुड, आ जाओ कम। कोई नहीं, बस वेरी गुड। देखो ये प्रॉपर फ्रोजन रिवर है पूरी, कितनी मस्त लग रही है। ये देखो क्या माहौल है। सो गाइस अब हम सिसु में कर रहे हैं लंच। ये देखो भाई हमने एकदम प्रॉपर चाइनीज फूड बना लिया, खाएंगे और उसके बाद और पार्टी करेंगे। A few moments later. छोड़ दो
बैठ जाओ छोड़ छोड़ दो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं करना ऐसे आराम से बस Mind-blowing experience, guys. हमारे ग्रुप में रिया और मैंने करी क्या जिप लाइन और भाई मतलब वर्थ इट था यार मतलब इतना सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा और भाई यहाँ क्या यहाँ उस तरह है शिशु जहाँ पे हम मतलब चिलिंग वगैरह कर सकते हैं और ये जिप लाइन करके इस पार आना है और यहाँ का व्यू देखो और यहाँ पे एकदम पाउडर वाली स्नो है ऐसे और भाई अब हम जा रहे हैं वापस की ओर यहाँ पे हमने रील्स और फोटोज बनवाई अब चलते हैं वापस तो भाई अब हम वापस जा रहे हैं जिप लाइन करके वापस उस साइड और आपको सबसे मिलाते हैं वापसी में आ गए हैं अटल टनल अब शिशु से वापस जा रहे हैं हम मनाली के और फिर वहाँ पे एक ब्रेक लेंगे होटल में फिर सीधा निकलेंगे दिल्ली तो गाइस अब एक हमारी अमेजिंग सी ट्रिप खत्म हो रही है काफी अजीब सी फीलिंग है काफी मजा आया नए नए लोगों से मिले यार दिल्ली पहुँच गए हम लोग टाइम्स थोड़ा डिले है बट कोई नहीं काफ़ी बढ़िया ट्रिप रही चलो एक बार सबको दिखा देता हूँ एंड में फिर चलते हैं बाय